real-time GLS 700 configuration. Now, हमारे स्मार्ट डोर लॉक को कंट्रोल और कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे स्मार्टफोन में वाईफाई, ब्लूटूथ एंड लोकेशन तीनों चीज़ों को इनेबल रखेंगे। रियल टाइम स्मार्ट ऐप ओपन करेंगे, ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, डिवाइस ऑटोमेटिकली डिस्कवर्ड हो जाएगा इफ ऑनलाइन रहेगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, ब्लू कलर के प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड करेंगे। ओके, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। डन पे क्लिक करके अब लॉक का पैनल इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ पे प्रेस अनलॉक को थोड़ा देर तक हम प्रेस करके लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। लॉक थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। गेस्ट अपीयरेंस के लिए हम यहाँ पे एक गेस्ट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ आप परमानेंट यूजर्स के पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं देन फैमिली में जाएंगे आप। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो लॉगिन आईडी होगा वही एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन जाएगा। ओके पे क्लिक करके हम फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे। फिंगरप्रिंट ऐड करने के बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे। लॉक से कनेक्टिविटी होने के बाद हम डोर लॉक के फिंगरप्रिंट पे हमारा प्रिंट रजिस्टर करेंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मैसेज मिलने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। एक बार चेक करते हैं फिंगरप्रिंट के साथ। डोर ओपन हो चुका है। सपोर्ट प्लेट के साथ मैच होने के बाद डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नाउ हम पासवर्ड ऐड करेंगे। नाउ यहाँ पे 6-डिजिट कोड द पासवर्ड हम 123456 यूज कर लेते हैं। कंफर्म देन सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, हियर इट इज। नाउ हम पासवर्ड एंटर करके चेक करेंगे एक बार। नाउ इट इज अनलॉक्ड। अब हम कार्ड ऐड करेंगे। कार्ड ऐड करने के लिए हम सिंपली कार्ड ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट डोर लॉक के लिए स्मार्ट कार्ड यूज होगा। 25 सेकंड के अंदर हम कार्ड को सेंसर पे स्वाइप कराएंगे ताकि फिगर आउट हो पाए। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का साउंड मिलते ही ओके पे क्लिक करेंगे। Here it is, कार्ड ऐड हो गया है। अब हम स्वाइप करके चेक करेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। अनलॉक हो गया है। तो ये था हम अपने स्मार्ट लॉक को किस तरह से कॉन्फिगर और कंट्रोल कर सकते हैं। रियल टाइम पावर ऑफ बायोमेट्रिक्स।